Hello children, this is Nisha, and today we are going to cover a very important part of the grammar portion. And I know you have already studied in your previous classes, but again, we'll have the same topic so that you can revise all the things. So the topic for today is tense, and we know that tenses are divided into three parts: present, past, and future. In Hindi, we know that it is called Kal. So uh First, we'll discuss present present tense, and in present tense, we'll discuss present indefinite or simple present, and then we will discuss present continuous, present perfect, and present perfect continuous. We will discuss later in some other classes. But these two parts, uh, these two types of present tense, are very important to know that how we can use in our sentences because basically, uh, the sentences which we form in beginning, so. Uh,

एंड यूनिवर्सल ट्रूथ राइट सो प्रेजेंट इन डेफिनेट जो डेली रूटीन है उसके बारे में या फिर हमारी डेली रूटीन में हम क्या करते हैं मैं स्कूल जाता हूँ मैं खाना खाता हूँ मैं पढ़ाई करता हूँ प्रजेंट हैबिट मैं समय पर नहीं उठता हूँ मैं देर में सोता हूँ या फिर मैं सुबह उठते ही चाय पीता हूँ राइट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ स्टूडेंट्स वो होता है

वर्ल्ड वो हर जगह इवन वर्ल्ड क्या धरती के हर कोने पे इट इज़ फॉलोड यही फॉलो होता है राइट सो यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो हर संसार के हर कोने पे एक समान फॉलो हो सो वी डिस्कस दीज थ्री थिंग्स इन प्रेजेंट इन डेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट सो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन डेफिनिट समवेयर इट इज़ वेरी इजी बट येस यू हैव टू बी मोर फोकस बिकॉज जो इसके रूल्स uh, होते हैं दैट कीप दैट यू नो कीप्स चेंजिंग एज पर द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होते हैं करता होता है उसके हिसाब से जो रूल्स uh, हैं जो सिंटेक्स और फॉर्मूलाज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं तो फर्स्ट विल सी दैट सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है करता करता मीन्स डूअर uh, जो काम करता है तो सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स हमने इन हिंदी ऑल्सो वी हैव स्टडीड एक वचन बहुवचन सो इन इंग्लिश वी कॉल सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर सो दिस इज प्लूरल राइट सो सिंगुलर में व्हाट ऑल कम ही शी इट नेम ऑफ पर्सन किसी भी इंसान का नाम किसी जानवर का नाम और किसी चीज़ का नाम बट इट शुड बी वन ये एक होने चाहिए यानी नंबर में वन होने चाहिए देन वी विल काउंट इट As a single as singular, then comes plural. Plural means बहुवचन यानी मोर देन वन एक से जब भी ज्यादा कोई चीज होगी कोई इंसान होगा कोई भी जगह का नाम होगा देन एंड आई यू वी दे दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्लूरल राइट सो इन दोनों के हिसाब से सिंगुलर का जो सिंटेक्स बनेगा दैट विल बी डिफरेंट एंड प्लूरल का जो रूल बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा विल सी इन द नेक्स्ट पेज सो स्टूडेंट्स नाउ सी सिंगुलर नंबर यानी एक वचन जब किसी एक वचन यानी ही शी इट या किसी नाम के नाम के बारे में कोई सेंटेंस होता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा देन विल यूज़ और विल फॉलो दिस सेंटेक्स एंड प्रेजेंट इन डेफिनिट वी और लेट मी जस्ट टेल यू अगेन दैट प्रेजेंट इन डेफिनेट वो काम जो डेली होता है जो हमारी हैबिट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है विल हैव सम एग्जाम्पल्स लेटर बट फर्स्ट यू शुड सी दैट सिंगुलर में सब्जेक्ट वर्व का वर्व की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एसो रियस लग जाएगा एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा राइट right? एंड ये ये तो हो गया पॉजिटिव यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट नहीं आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा है देन कम्स नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में क्या होता है नेगेटिव भी सिंगलर नंबर का अलग बनेगा और उसका सेंटेक्स भी अलग हो जाएगा सब्जेक्ट सिंगलर का सब्जेक्ट होगा देन हम अगर नेगेटिव होगा तो डज नॉट लगाएंगे एंड वर्व की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर क्या था वर्व की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस और यस लगाया था बट वेन वी मेक नेगेटिव ऑफ सॉरी प्रेजेंट इन डेफिनेट देन वी विल नॉट एड एस और यस

क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए हमने एस लगा दिया नाउ राम डज नॉट ईट मैंगो सो स्टूडेंट्स राम क्योंकि सिंगलर है और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पर डज नॉट लगा दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है हमें यूज करनी है सो डज नॉट के बाद हमें एस और रेस इस का इस्तेमाल नहीं करना है दैट्स वाई इंटेंशनली आई हैव एडेड एस एसियर देन क्रॉस डिट आउट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट डज नॉट

subject do not so students here we used does not with singular but here we have to use do not with plurals so do not plus verb first form and then object again when we make sentences of singular in present indefinite then we will use does not और अगर पॉजिटिव होगा तो हम वर्फ के साथ एस और एस लगाएंगे बट वेन इट कम्स टू प्लूरल सेंटेंसेस प्लूरल सो वाइल मेकिंग सेंटेंसिस वी विल नॉट यूज़ एनी ई एस और एस और इन पॉजिटिव और डज नॉट इन नेगेटिव विल यूज डू नॉट एंड पॉजिटिव सेंटेंसिस में विल we'll यूज़ वर्फ का फर्स्ट फॉर्म सो लेट्स एग्जाम्पल सो दिस इज़ प्लूरल सो दे डू दे वर्क वो अपना काम करते हैं तो डू इज़ दरव नो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्व आई डू नॉट लाइक मैंगोज अगेन आई इज अ प्लूरल दैट्स वाई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए वी हैव नॉट यूज डज नॉट आई डज नॉट इज रॉन्ग आई डू नॉट लाइक मैंगोज सेम वेज यू कैन हैव माई फादर माई फा माई पेरेंट्स पेरेंट्स में दो लोग हैं सो माई पेरेंट्स डू नॉट गेट मी अव बाइसिकल माई मदर सॉरी माई सिबलिंग्स गो टू द मार्केट डेली राइट सो जब भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव बनाएंगे प्लूरल्स में देन वी विल फॉलो दीज टू सिंटेक्स एंड जब हम सिंगुलर में सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट में देन वी विल फॉलो दीज टू सिंटेक्सेस राइट सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इन केस इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैन यू कैन आस्क मी इन योर यू नो बाय सेंडिंग अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गिव यू एक्सरसाइज बेज्ड ऑन द सेम लेटर एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टू मेक सम दिन जो हमने पढ़ा है आज वी हैव कवर्ड प्रेजेंट इनिट सो प्रेजेंट इन डेफिनेट के एटलीस्ट राइट फाइव फाइव सेंटेंसेज नेगेटिव और पॉजिटिव के सिंगुलर के बनाएंगे हम एंड फाइव सेंटेंसेस हम पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे प्लोरोस के दिस इज़ यर होम असाइनमेंट एंड यू हैव टू डू इट एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप टेक इट सीरियसली स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स सी यू सून टेक केयर एंड बाय